राजस्थान में सियासी संकट बरकरार है और ऐसे में सचिन पायलट लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जिस तरह से सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी हो गए, ठीक उसी तरह से अपने प्यार को हासिल करने के लिए सचिन सबसे लड़ने को तैयार थे। तब जाकर सचिन से सारा की शादी हुई। अब आपको बताते हैं कि सारा से सचिन की मुलाकात कैसे हुई और सचिन पायलट ने सारा से शादी कैसे की। सचिन ने दिल्ली के बाल भारती स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए करने के बाद गाजियाबाद के आईएमटी से डिप्लोमा कोर्स किया। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए सचिन लंदन चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात सारा अब्दुल्ला से हो गई। इनके बीच दोस्ती हुई। कुछ दिनों में दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला की बेटी हैं और उमर अब्दुल्ला सारा के भाई हैं। अलग अलग समुदाय के होने की वजह से दोनों ही परिवारों के लोगों ने शादी का विरोध किया। सचिन हिंदू और सारा मुस्लिम धर्म से हैं। परिवार के विरोध के बाद भी दोनों 2004 में शादी के बंधन में बंध गए। साल 2004 की बात है जब सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फारूख अब्दुल्ला की बेटी सारा से शादी रचाई। हालांकि उस समय सारा के पिता इस शादी के विरोध में थे क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म के थे। यहां तक कि बेटी की शादी में अब्दुल्ला परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने प्यार को एक नया रिश्ता देने के लिए सचिन पायलट ने सारा के साथ सात फेरे ले लिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।